हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 12th का फर्स्ट किताब का लास्ट ये चैप्टर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। लाइट का कंसेप्ट यहाँ से आपको आएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स, उसका कंसेप्ट यहीं से आपको मिलेगा। तो इसके हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से लिया गया है। क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी ऑफ वोल्टेज वी इज गिवन बाय वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड देन गिवन बाय। कह रहा है कि इसके बीच आपको डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। सभी बच्चे इसको जानते होंगे। इसका वैल्यू होता है कि आईडी होता है, आईडी इज इक्वल टू ऑप्सलन जीरो और डी फाई ई अपॉन डी टी, इस तरह से होता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको आप थोड़ा सा और मॉडलाइज करें, कैपेसिटर के टर्म में लाएं, तो आप ऐसे लाते होंगे। जैसे कि फाई ई को आप आराम से लिख देते हैं, कैसे, ई इंटू ए, ई इंटू ए लिख देते हैं। अब भी पोटेंशियल जो लिखते हैं आप, भी वो क्या लिखते हैं, ई इंटू डी, है ना। याद करिए भी बराबर ई डी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर रहता था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो चैप्टर 2 में ऐसा पढ़ते थे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस में रिलेशन। तो अब आप क्या कीजिए कि इसको जो ई है ना, तो इसको कर दीजिए वी बाई डी और इसको आप यहाँ पर लेकर जाइए, तो नया फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको वी डिवाइडेड बाई डी इंटू ए। अब सवाल ये है कि वेरिएबल है क्या, तो आपको वेरिएबल जो है ए सी जो है वो वेरिएबल है, तो वी नॉट है और साइन ओमेगा टी, एरिया तो वेरिएबल है नहीं, ओके। और एक कैपेसिटेंस आपको सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है कैपेसिटेंस, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है सी कैपेसिटेंस। तो आप यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ऑप्शन 0 मिल गया बच्चों और डी अपन क्या मिल गया, डी टी। ये रॉप है ना, ये रॉप मैंने यूज किया है। अब यहाँ पर क्या करना है, E इंटू ए, तो यहाँ पर लिखते हैं E इंटू ए, फिर एक लाइन और लिखते हैं ऑप्सलन नॉट डी अपन डी टी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, E के बदले क्या लिखेंगे, वी डिवाइडेड बाई डी इंटू क्या हो गया, A। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्सलन जीरो और A डिवाइडेड बाई क्या हो गया, D, और D अपन क्या हो गया, डी टी, और यहाँ पर हो गया वी। इसको क्या लिखते हैं, इसको सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का जो 12th का जो बुक है सेकेंड, उसके सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में आप पैरेलल पढ़े होंगे, स्फेरिकल पढ़े होंगे, सिलेंड्रिकल पढ़े होंगे, तो ये कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उस सवाल में भी कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डी भी अपन डी टी, है ना बच्चों। तो चलो सी तो सी रहेगा, ओके, डी अपन डी टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वी नॉट, ओके, और साइन क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो वी नॉट कॉन्स्टेंट, तो वी नॉट इंटू सी, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, टी का कोफिशेंट क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ओमेगा टी, ये आंसर होगा। समझे बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है देख रहे ना, वी नॉट सी ओमेगा, तो पहला नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा कॉस में है, तो यही आंसर है और बी इसका आंसर आ जाएगा। गुड आउट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 एरॉप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रो फैराड इज बींग चार्ज बाई अ वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड। द कंडक्शन करेंट
through the connecting wires and the displacement current through the plates of the capacitor would respectively. ठीक है, इसमें कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट. तो सबसे पहला जो काम है, डिस्प्लेसमेंट करंट हम आराम से निकालेंगे और सी और डी वी अपन डी टी. अब मैं ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा, पहले ऐसा लिखा था, अब कैसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया. ऐसा इसीलिए लिखा कि आपको सी भी दिया हुआ है. सी दिया है बच्चों 20 माइक्रो फैराड, 20, ठीक है, माइक्रो ही में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है. 20 लिखिए, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड. ओके, डीवी अपन डीटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ. देखिए डीवी अपन डीटी जो है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वोल्ट पर सेकेंड. तो आईडी आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और फिर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना. तो ये हो गया क्या, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा एम्पियर. तो क्या मिला, 60 माइक्रो एम्पियर. ये हो गया बच्चों एक तो ये हो गया. अब यहाँ पर जो है ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट, तो नाउ यहाँ पर जानते हैं हम लोग, थ्योरी में पढ़े होंगे, नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट सेम एज कंडक्शन करंट. थ्योरी, बेसिक थ्योरी की अगर बात करें तो आपने बेसिक थ्योरी में ये बातें आपको मालूम होगा, ये बेसिक थ्योरी है. तो आई डी और आई सी कंडक्शन करंट इज इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पियर, यही हो गया आंसर. इसको हटा दीजिए. ओके, तो फाइनली आपको ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपको सी मिलेगा, सी ऑप्शन करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, 100 ओम रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स. व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज द पिक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट इज, 50% चार्ज रहेगा तो करंट तो उसमें होगा ही. ये 50% लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर 50% चार्ज है तो उसमें करंट होगी, अगर 100% तो चार्ज हो जाएगी तो उसमें करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा. जब 100% चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो चार्ज का वो डिमांड बंद कर देगा. चार्ज का डिमांड बंद करने का मतलब होता है कि आपको करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगी, चार्ज को रिक्वायरमेंट बंद हो जाएगी. ओके, तो आपको है इसका मतलब ये हुआ कि ये आरसी सर्किट हो गया. तो आरसी जब भी सर्किट आ जाएगा तो आपको पता ही है कि ये एसी में चला गया, समझे बच्चों, ये किस में चला गया, एसी में. ओके, ये सी है तो ये आर है, तो इसमें पता है कि आपको जेड निकालना पड़ जाएगा. क्या निकालना पड़ेगा, जेड. तो ये कैसे होगा, आर का स्क्वायर प्लस एक सी का स्क्वायर. आर का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 100 ओम दिया हुआ है. एक सी का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, 100 ही ओम दिया हुआ है. ओके, तो जेड इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया क्या, 100 इसका स्क्वायर, 100 और इसका स्क्वायर. तो ये हो गया कितना, आपको 100 और रूट अंडर कितना, 2 ओम. इस तरह से लिखेंगे जेड इज इक्वल. ओके, आपको चाहिए मैक्सिमम करंट, आपको वी आर एम एस दिया हुआ है, तो वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट. तो वी आर एम एस जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वी नॉट डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2. तो आप इसमें निकाल लीजिए क्या, वी नॉट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 220 रूट अंडर 2 वोल्ट आ गया. गुड आउट, नहीं आपको निकालना है पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना. तो कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, कंडक्शन करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट, ऐसे लिखेंगे, है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैक्सिमम करंट.
मैक्सिमम करंट, इसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, या इसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो कैसे लिखते हैं बच्चों इसको हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं वी जीरो इज इक्वल टू आई जीरो इंटू जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे आई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो डिवाइडेड बटे कितना जेड। तो यहाँ पर हो गया आई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो। तो वी जीरो का वैल्यूज कितना ला दिया, टू हंड्रेड ट्वेंटी रूट अंडर टू डिवाइडेड बटे हंड्रेड रूट अंडर टू। तो ये और ये कैंसिल हो गया, फिर 2.2 एम्पियर यही हो गया आंसर। तो आई नॉट इज इक्वल टू आ गया 2.2 एम्पियर आंसर। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑप्शन आर एंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी म्यू आर ऑफ द लाइट भी इज गिवन बाय सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हम देख सिंपल थ्योरी है ना, एकदम सिंपल थ्योरी, हम इसको अब जानते हैं, ए बी सी डी है ना भाई। देखिए सी इज इक्वल टू होता है 1 बटे रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े होंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मीडियम के लिए जो लिखते हैं वो लिखते हैं क्या हम लोग, रूट अंडर म्यू और फिर एप्सिलॉन लिखते हैं। तो म्यू इक्वल टू लिखते हैं म्यू नॉट और फिर क्या लिखते हैं म्यू आर, फिर एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन आर। इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू 1 बटे रूट अंडर, फिर क्या लिखेंगे म्यू नॉट और म्यू आर, फिर एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन आर, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू 1 बटे, यहाँ पर क्या होगा म्यू नॉट, फिर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होगा म्यू आर और एप्सिलॉन आर। इसके बदले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो सी डिवाइडेड बटे रूट अंडर म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये हो गया। और इसको हम लोग लिखेंगे आंसर। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ गिवन फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स इन एक्स डायरेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। सबसे पहली बात यह है कि ऐसा आपने पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो वेव जो प्रोपेगेट करता है वो किधर करता है, एक्स में करता है। ओके, यहाँ पर क्या करता है, ये जेड करता है, ये हो गया कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और वेव इधर जाता है। इस तरह से आप पढ़ेंगे कि वेव का मोशन इधर है। तो क्वेश्चन भी कह दिया है कि वेव का मोशन जो है वो एक्स एक्सिस में है। तो आपको क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो नाउ यहां पर लिखे हैं कि नाउ डायरेक्शन जो होगा, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स डिटरमाइंड बाय ई वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेव किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेव कहाँ जा रहा है, वेव मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ जा रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस। मतलब कि आपको जो है ई वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आना चाहिए, आई कैप आना चाहिए। तो वो ही सही है। तो यहां पर दिया हुआ है आपको, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और बाद में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वैल्यू जी, और मैग्नेटिक फील्ड का भी दिया हुआ है वैल्यू जी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? इसमें बारी बारी से आपको ए क्रॉस बी करना ही पड़ेगा। जैसे पहला में ई का वैल्यू जो दिया हुआ है माइनस जे कैप और प्लस के कैप, और बी में दिया हुआ है माइनस जे कैप और प्लस के कैप, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना। सिमिलर वेक्टर का क्रॉस जो लेते हैं ना तो जीरो हो जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। बी में भी हो सकता है जे क्रॉस, ये भी जीरो हो जाएगा। जे 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 वेक्टर प्लस के, यहाँ पर क्या है जे वेक्टर जे कैप प्लस के कैप, अब फिर इसका भी वैल्यू क्या है जे कैप प्लस के कैप, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस जे कैप सी में और प्लस के कैप, और बी में लिखा हुआ है माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार, तो ये संभावना है, इसकी संभावना है। तो इसी को चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों माइनस जे और प्लस के, यहाँ पर लिखा हुआ माइनस जे और माइनस के, ये होगा पक्का, ये हो जाएगा। तो देखो भैया ई क्रॉस बी हमको करना है, तो ई वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, तो पहले तो आप लिख लो माइनस जे प्लस क्या के अक्रॉस माइनस जे माइनस क्या के, ऐसे। तो क्या करना है इसका और इसका मल्टीप्लाईकेशन करना है, तो जे अक्रॉस जे जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाईकेशन इसके साथ करना है के के साथ। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जे माइनस में है ये भी माइनस में है तो प्लस हो गया, ठीक है। और जे क्रॉस के यहाँ पर क्या लिखेंगे जे अक्रॉस के, ठीक है। अब ये देखो ये वाला और ये वाला इसके साथ करना है, तो ई वाला है प्लस में ई वाला है माइनस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे के अक्रॉस जे, फिर यहाँ पर लिखेंगे के क्रॉस के जीरो। आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जे अक्रॉस के। जे अक्रॉस के क्या होता है बच्चों आई होता है, बिल्कुल आई होगा, और के क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई होता है, तो ये माइनस आई होगा। दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा टू आई कैप आ गया, है ना। तो क्या हो गया टू आई कैप, मतलब कि सही है एलोंग एक्स एक्सिस, तो आंसर होगा सही, आंसर है आंसर सी होगा, हो गया। टू से कोई मतलब नहीं है, है ना, हमको किससे मतलब है आई से, डायरेक्शन से मतलब है, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, करें कि अ लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स इंटेंसिटी दिया हुआ है ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस है जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग द सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर द एनर्जी रिसीव्ड बाय अ सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पन 1 मिनट, तो टाइम कितना दिया हुआ बच्चों 1 मिनट, टाइम जो है टी 1 मिनट है, तो टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड हो गया, ओके टी इज इक्वल टू हो गया 60 सेकेंड, और ए इज इक्वल टू जो है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। और यहां पर हो गया आपको इंटेंसिटी आई, तो ये हो गया 20 वाट पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। तो आपको क्या करना है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बटे एरिया इनटू होता है टाइम, ठीक है। तो आप एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी आई एरिया ए टाइम टी, तो एनर्जी इक्वल टू इंटेंसिटी है 20 वाट पर सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ऐसे है, इनटू एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम 60 सेकेंड, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड और वाट जूल हो जाएगा, जूल। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना 20 फिर 20 फिर 60, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 4 और इंटू 6 24
10^3 जूल। तो ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी है और यही हो गया करेक्ट। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सी इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा इंटेंसिटी का रेशियो। देखिए तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप ऐसे बात करते तो यहाँ लिखते हैं 1/2 फिर ऑप्शन 0 फिर आप लिखते हैं E0 का स्क्वायर इंटू सी। ये हुआ इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से होता है ओके। और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला भी अगर देखेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो कुछ इसमें नहीं है 1/2 ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं आपका बी नॉट का स्क्वायर और यहाँ पर म्यू नॉट हो जाता है इंटू सी, ऐसे होता है। अब कह रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, तो पता है ऐसे भी पढ़े होंगे आप, दोनों सेम होता है ना। आप पढ़े होंगे कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी क्या मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पढ़े होंगे। तो उसी तरह से आई ए और आई बी भी होता है, ये सब आप पढ़े होंगे। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। नहीं विश्वास है तो देखिए, देख लेते हैं। आई ई कर दिया मैंने, अब फिर यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, आई बी कर दिया, क्लियर। अब देखो 1/2 हो गया, फिर ऑप्शन नॉट हो गया, ई जीरो का स्क्वायर हो गया ओके, एन टू सी हो गया, डिवाइडेड बटे 1/2 हो गया, बी जीरो का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बटे म्यू जीरो हो गया, एन टू सी हो गया। देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि E0 बराबर क्या होता है बच्चों, E0 बराबर सी बी जीरो, इतना तो जानते हैं आप। अब क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू 1/√μ0 और क्या ऑप्सिलॉन नॉट, ये जानते हैं आप, इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 फिर ऑप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिख सकते हैं μ0 इज इक्वल टू 1/ε0 सी स्क्वायर, इतना हो गया। चलो पुट करो यहाँ पर, तो आई ई डिवाइडेड बटे आई बी इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, ई जीरो को आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई जीरो को रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ई जीरो मैंने ऑप्शन नॉट को रहने दीजिए ऐसे, ई जीरो को लिख दीजिए सी बी जीरो, तो क्या होगा सी का स्क्वायर और फिर बी जीरो का स्क्वायर, इतना हो गया। यहाँ पर बी जीरो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देख लेंगे बी जीरो का स्क्वायर ओके। और यहाँ पर क्या है म्यू नॉट ना है बच्चों, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की जगह पर ये रखना है, तो नीचे में रखेंगे तो चल जाएगा ऊपर, बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं, सही है ना। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर ऑप्शन 0 ओके। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे 1/something तो ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ऐसे मिल जाएगा ऑप्शन 0 इसका स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, ऐसा होगा ओके। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो इसमें वैल्यू जाएगा आपको ये और ये, मतलब यही ऑप्शन नॉट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑप्शन नॉट है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होगा ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो क्या मिल गया 1। तो आई ई रेशियो आई बी इज इक्वल टू 1:1, ये हो गया आंसर हो गया ओके। तो यहाँ पे आपको मिल गया बी, बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड परमिटिविटी म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम विल बी। तो आपको पढ़े भी किए हैं कि जो भी जो मीडियम होता है वो सी होता है और √μr होता है और फिर ऑप्शन आर भी होता है ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3×10^8 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो वैल्यू दिया है तो क्या वैल्यू दिया हुआ है, म्यू आर भी दिया हुआ है और ऑप्शन आर भी दिया हुआ है। तो म्यू आर का जो वैल्यूज है बच्चों वो है आपको 1, ये वैल्यू 1 है, ये है 1.44, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1.44,
इसको और सही हारिएगा तो ऐसे कर सकते हैं, 3 × 10⁸ रूट अंडर 144 × 10⁻ कितना -2। सो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 10⁸ और इंटू इंटू क्या मिलेगा इसका, ऐसे रखिए और डिवाइडेड बटे इसको क्या करेंगे 12, इसको क्या करेंगे 10⁻¹, ऐसे कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा आपको 4 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बटे 4 × 10⁸। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा कम हो जाएगा है ना, मीडियम में, मीडियम में बिल्कुल कम होता है। तो आपको आंसर आएगा 2.5 आएगा ना, हाँ 2.5 आएगा, 4×5 = 20 2.5। ओके तो आंसर हो गया बच्चों ए, यही ऑप्शन है। ओके एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम विथ अ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी आई कैप, द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग प्लस वाई एक्सिस, देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी। कह रहा है कि वेव की जो वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी वो किधर जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो है वाई एक्सिस की तरफ है, मतलब कि जे कैप है। तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर रही होगी, सिंपल क्वेश्चन। तो डायरेक्शन जो हम लोग लिखते हैं, डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं ई वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वी वेक्टर, यही हो गए। ओके तो अब यहाँ पर ये डायरेक्शन को डिटरमाइन कर रहा है, डायरेक्शन तो कहने का मतलब ये हुआ कि ई के पास तो जे है, ई के पास क्या है जे है, अब बात ये है कि बी के पास क्या होना चाहिए, बात समझे कि नहीं समझे, इसके पास व्हाट, इसके पास क्या होना चाहिए ताकि क्या आ जाए, आई आ जाए। तो यहाँ पर जो है ई है, जे है क्रॉस, ये बी है बी, तो अब अगर हम यहाँ पर के लिख दें तो आ जाएगा, सही है भैया। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि B को अगर हम K कैप में लिखते हैं तो I आता है, J क्रॉस K, J क्रॉस क्या होता है बच्चों, K I होता है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग प्लस जेड एक्सिस की तरफ होगा। ओके तो यहां पर हो गया आंसर में अगर बात करें तो बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 6 वोल्ट पर मीटर, द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर दिया हुआ है ई आर एम एस, दिया हुआ पहली बात कि ई आर एम एस इज इक्वल टू 6 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, लेकिन आपको चाहिए क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू चाहिए। तो आपको ये पता है कि आपको ये चाहिए, तो आपको मालूम है कि ई जो होता है वो होता है सी इंटू बी होता है, तो जब ये आर एम एस हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आर एम एस ही हो जाएगा, और अगर ये ई जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बी जीरो हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा बी जीरो इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइडेड बटे सी। ओके अब यहाँ देखो, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइडेड बटे रूट टू होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई जीरो इज इक्वल टू ई आर एम एस क्या हो गया, रूट अंडर टू, ऐसे होगा ई जीरो इज इक्वल टू ई आर एम एस रूट टू होगा। यहाँ पर क्या होगा, बी जीरो इज इक्वल टू ई आर एम एस रूट अंडर टू डिवाइडेड बटे कितना, सी। तो ई आर एम एस, ई आर एम एस का मतलब क्या होगा, 6 हो गया।
रूट अंडर टू हो गया डिवाइडेड बटे 3 × 10⁸। तो यहाँ पर हो गया 2√2 × 10⁻¹⁸ टेस्ला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1.414 × 10⁻¹⁸ टेस्ला। फिर यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर क्या होगा 2, फिर 8, फिर 2 × 10⁻¹⁸ टेस्ला। यही आंसर होगा, 2.8 लिख सकते हैं, 2.8 × 10⁻¹⁸ टेस्ला, यही हो गया आंसर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर दिए चैप्टर नंबर 8 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं। तो आप क्वेश्चन का तो लेवल देख ही रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।